दोस्तों बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल सरकारी माइनिंग कंपनी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड पर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। जनवरी मार्च 2022 तिमाही के नतीजे के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल और एक्सेस सिक्योरिटीज के नालकों पर खरीदने की राय दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एबीआई टीडीए अनुमान से बेहतर रहा है। कंपनी को मुनाफा और इनकम में इजाफा हुआ है। मार्च तिमाही के दौरान राकेश झुनझुनवाला की नालकों में 1.4% हिस्सेदारी है और बीते एक साल में स्टॉक ने करीबन 25% तक की तेजी दिखाई है। नेशनल एल्युमिनियम पर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने खरीदने की सलाह दी है, साथ ही पर शेयर टारगेट प्राइस 110 रुपए का रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि ईयरली बेसिस पर कंपनी की नेट सेल में 54% का इजाफा हुआ है और कंपनी को दो कोल माइन उटकल डी और आई अलॉट हुए हैं। आपको बता दें कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 में माइनिंग शुरू कर सकती है, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन से सप्लाई बनी हुई है, उम्मीद है कि एल्युमिनियम के भाव मौजूदा लेवल से ऊपर बने रहेंगे। हालांकि चीन में कई एल्युमिनियम कंपनी दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं, जिससे तेज करेक्शन रुकेगा। आपको बता दें कि ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर के लिए एल्युमिनियम प्रोडक्शन अनुमान से 3% घटा दिया है और इसी के साथ इसका टारगेट प्राइस 110 रुपए का रखा है। वहीं अगर हम एक्सेस सिक्योरिटीज की बात करें तो एक्सेस सिक्योरिटीज ने नालकों पर खरीदने की राय दी है। हालांकि स्टॉक पर टारगेट प्राइस 150 रुपए से घटाकर 107 रुपए कर दिया गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के नतीजे दमदार हैं, लेकिन एल्युमिनियम और एलुइमा कीमतें अपने पीक से नीचे आ रही हैं। आपको और एक बात बता दें कि नालको का मार्च तिमाही में यानी कि क्वार्टर फोर में प्रॉफिट 9.5% बढ़कर 1025 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 935 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं नालको के शेयर पर। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट नालको को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।